नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू। 32 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, 25 किलो पीतल के नल, 16 बैटरियां की बरामद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पंजाब भाजपा प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हुए नतमस्तक। प्राचीन ब्रह्म अखाड़ा उस्ताद जेठुमल ताराचंद में कुश्ती मुकाबलों का हुआ आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की शिरकत। अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों और नशे पर नकेल कसने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिसके तहत फिरोजपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड कर अलग अलग मामलों में लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को काबू किया। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास 32 मोटरसाइकिल, 1 देसी पिस्तौल, 1 पिस्टल और 25 किलो पीतल के नल, 16 बैटरियां भी बरामद की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल सभी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। पहला मैं दसदा जी, भी कलियां बैटरियां नहीं, काफ़ी जड़ियां चोरियां घर चोरिया हुई सी, वो चोर भी फड़े आ, बैटरियां भी जिदे विच पंज तां सी जिहड़े होर डाका मारन दी जां चोरियां करन दी स्नैचिंग लुट खोह की कोशिश प्लैनिंग दे विच सी। वह पंज बंदियां नूं साडी लोकल पुलिस इंस्पैक्टर मोहित ते जिहड़े साडे SP साहब की अगवाई दे विच उन्हों गिरफ़्तार करन दे विच कामयाब होए आ, जिन्हां तों काफ़ी वड्डी रिकवरी हुई है। 12 चोरी दे मोटरसाइकिल, 16 चोरी दियां बैटरियां, 25 किलो पित्तल, जिवें टूटियां वगैरह जिहड़ियां सीगियां घरां चों खाली घर सी जिहड़े 6 उन्हां चोरियां होईयां सी, ते 4 कापे, 1 बेसबॉल बैट, ते ये कुछ रिकवर होया उन्हां कोलों, ते होर भी पुछगिछ दे विच होर रिकवरियां होण दी सानूं उम्मीद है, भी होर भी रिकवरियां होणगियां उन्हां तों। ते इह जिहड़े 5 जणे जिहड़े असीं अरैसट कीते आ, इहनां चों 4 दे तां पहलां भी साबका रिकॉर्ड आ उन्हां दा, उन्हां दे कई अजिही परचे दर्ज आ जिहड़े चोरी दे जां लुटखोह दे पैसे उन्हां दे परचे दर्ज आ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में पंजाब भाजपा के प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रदेश भाजपा के महासचिव जीवन गुप्ता, उपाध्यक्ष केवल ढिल्लो, जिला महामंत्री राजेश कपूर ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मां के पावन दरबार के साथ साथ मां तिरुमालिनी धाम में भी जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान विजय रूपाणी ने श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं को लेकर सराहनीय कदम बताया और कमेटी को बधाई दी। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तब रक्षा करने आई करके शेर सवारी।
सौभाग्य है कि आज जलंधर में पंजाब में शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा मालिनी उसके पास माथा टेकने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ से मैंने प्रार्थना की है कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में जगत जननी बने और भारत माता विश्व विजयी बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उसको आप आशीर्वाद दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। हर हिंदुस्तानी एक एक व्यक्ति जन जन वो समृद्ध बने, शिक्षित बने और खूब तरक्की करे, ऐसा आशीर्वाद भी मांगा है। पंजाब के हालात सुधरे, पंजाब मजबूत बने, ऐसा भी माँ के पास प्रार्थना करी है मैंने। और माँ तालाब एक ऐतिहासिक पुराना मंदिर है, बहुत लोगों की श्रद्धा व आस्था है, हजारों लोग हर रोज यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, मन्नत मनाने के लिए भी आते हैं। ये एक हमारे शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ, और जलंधर, यहाँ से जलंधर की रक्षा भी हो रही है, जलंधर पर माँ का काफ़ी आशीर्वाद और उनका पूरा प्रेम जलंधर पर ही है। ऐसे पुराने मंदिर, और मैं मानता हूँ कि जो पुराने मंदिर है वो अभी भी कार्यान्वित है, यहाँ जो माँ की मूर्ति ये भी दिव्य है, और यहाँ से एक आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, उठती है, और उससे सबका कल्याण भी होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला और माँ के पास, माँ के दरबार में मैंने माथा टेका। जैसे आदरणीय रूपानी जी ने बताया, आज बहुत खुशी का दिन है, विसाखी का त्यौहार है, सबको लख लख मुबारक विसाखी दे त्यौहार ते खालसा पंथ की जी अज हुई सी। इस करके मैं अज इतने देवी तालाब मंदिर की इतने भी देवी के दर्शन होए आ, बहुत वधिया देना सुहागी देना, जिवें मंत्री जी ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, असं यह कहना चाहते हैं कि पंजाब की भी जिवें बाकी हिंदुस्तान सारा भला हो रहा, पंजाब का भी भला होवे, पंजाब भी तरक्की करे, पंजाब भी खुशहाली तो जाए, साढ़ा सारा तो यही कहना। और जितने भी श्रद्धालु आए आ, जो मनोकामनावान सारिया मनोकामनावान देवी माता पूरी करे, और सारू अज लख लख बधाई हो, अपने आप में बड़े भाग्यशाली खुशकिस्मत समझते हैं कि अज इन्हें देवी तलाब के सवेर तो धार्मिक स्थानों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन ब्रह्म अखाड़ा उस्ताद जेठूमल ताराचंद में उस्ताद दर्शन चड्डा दर्शी पहलवान के मार्गदर्शन में विशाल कुश्ती का आयोजन किया गया। इस दौरान कुश्तियों के 25 से अधिक मुकाबले हुए। हर वर्ष की तरह सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने पहुंचकर इस कुश्ती मुकाबले का आनंद लिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पंजाब भाजपा के प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रदेश भाजपा के महासचिव जीवन गुप्ता, उपाध्यक्ष केवल ढिल्लो, श्रीदेवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नौजवान बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अखाड़े के संरक्षक एवं पूर्व CPS KD भंडारी, कुलवंत शर्मा, हितेश स्याल सहित असंख्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं अपने हरमन नेता श्री KD भंडारी जी का बड़ा धन्यवाद करदा, ते उन्होंने प्रयासों के सदके, ते उन्होंने टीम के प्रयासों के सदके जरा कुश्तियों का आयोजन हर साल होंदा आया। जलंधर में
ये अखाड़ा प्रवृत्ति हनुमान जी के सानिध्य में यहाँ देखने को मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। मैं मुख्यमंत्री 5 साल रहा, मेरा अनेक कार्यक्रम हुआ, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती देखने के लिए एक भी कार्यक्रम नहीं मिला था। आज जय श्री राम, मुझे ये कुश्ती का खेल देखने को लिए मिला, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन पवित्र दिन है, आज बैसाखी है और 138 साल पुराना ये अखाड़ा है, ये जानकर भी बहुत खुशी हुई। और लुप्त नहीं है, लाइव है, जीवंत है। और यहाँ जलंधर के सब पहलवान कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। क्राफ्ट बियर स्कॉटिश पावर हाउस ब्रूडॉग ने अपने टैप रूम के साथ अमृतसर में शानदार प्रवेश किया। इस संबंधी सीईओ ब्रूडॉग इंडिया करण जैन और मार्केटिंग हेड शहीरा खान ने कहा कि यह पंजाब में कंपनी का पहला और देश का चौथा आउटलेट है। यह अमृतसर के कुछ पहले पेट फ्रेंडली स्पेसेस में से एक है, जहां आने वाले मेहमान अपने पेट्स के साथ शानदार समय बिता सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों एवं बेहतरीन कार्यक्रमों के साथ यह सभी का पसंदीदा गंतव्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों में खाने पीने के खास शौक को देखते हुए वर्तमान में वे यहां विस्तार कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम बता दे मैम और बता दे आज की वीडियो। मेरा नाम शाहिरा खान है, मैं ब्रूडॉग इंडिया में मार्केटिंग हेड करती हूँ और हम बहुत खुश हैं कि आज हम सब लोग हमारे बार के लॉन्च में आए हैं। ब्रूडॉग का पंजाब में पहला बार है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि आप लोग सब लोग इसमें शामिल हो सके। ब्रूडॉग एक यूके का ब्रांड है जो इंडिया में एंटर किया है, 2 बार्स बॉम्बे में, फिर हम गुड़गांव में हमने खोला और ये पंजाब का पहला बार है। यूएसपी हमारी जो 24 टैप्स हैं ब्रूज की वो है, पेट फ्रेंडली है, खाने में रीजनल फ्लेवर को हमने एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया है। वुड फायर ओवन पिज्ज़ाज हैं जो कि अमृतसर में काफ़ी न्यू है, ऑथेंटिक हमारे पास वुड फायर ओवन पिज्ज़ाज बनते हैं और हम लोग LGBTQ इंक्लूसिव हैं। इट इज़ अ सेफ स्पेस, यहाँ पे फैमिलीज, बच्चे, कपल्स, चाहे जो भी ओकेजन हो, यहाँ पे आके आप सेलिब्रेट कर सकते। जालंधर छावनी में डॉक्टर B.R. अंबेडकर सेवा सोसाइटी की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने केक काटकर सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अशोक नाहर, राजेश नाहर, अमित मट्टू, रॉबिन कन्नौजिया, अभि शर्मा, चौधरी तरसेम लाल, निर्थ नाहर, रवि अटवाल, राजकुमार सौंधी, हनी खोखर, गोपी हंस, सोनू हंस, राजेश पाल, गोरा थापर, रायचंद घेई, गौतम सरवटे, अशोक नाहर, मेघा सिद्धू, एडवोकेट अंचल अटवाल, एडवोकेट मास्टर KL सोंधी भी मौजूद रहे। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को समर्पित चेतना मार्च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जालंधर छावनी की ओर से निकाला गया। ये चेतना मार्च चेयरमैन तरसेम चौधरी, प्रधान राकेश अटवाल की अध्यक्षता में निकाला गया, जिसने जालंधर छावनी के अलग अलग इलाकों की परिक्रमा की। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर भरत बत्रा, शादीलाल आदि, सचिन असुर, अशोक मोहमा, सुदर्शन ब्रूट, हरदयाल नाहर, हरदेव नाहर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए राजबीर की रिपोर्ट। मैं जो के आज बत्ती मां बाबा जी का जो के ही शुभ त्यौहार साढ़े पाठल जी
और रोशा पंडित जी और सारी साड़ी टीम जो कि आज जो दिन मना रही है सानू बड़ी खुशी है कि सानू इन्हां दे जो कहे हुए गल्लां उन्हां दे उपर तुरना चाहीदा। मैं अपने वालों इत्थे सारे वालों एक बेनती जरूर करदा कि जिहड़ी साडे अडवाल साहब नूं बीजेपी सरकार ने मौका दिता उन्हां नूं असीं सारिया नाराजगियां तो दूर होके वोटा पा के जरूर जिताना चाहिए क्योंकि सारे जने दिनों जरूर एक गल सोचियो कि असी हर पार्टी को 40-40 साल 45-45 साल मौका दिता एक बार असी इन्हों मौका दे के मोदी सरकार को चैक करके देखिए एक बार 6-7 महीने लिए ही बनाना सी एम पी साहब को बना के तुसी देख लो इस करके कि जरा अपने हिंदुस्तान पंजाब का कोई तरीके 50,000 से भी अधिक गौवंश के मातृवत का पालन करने वाली संस्था श्री माता गौशाला बरसाना की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री राम हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को विश्राम दिया गया। कथा के 7वें दिन कथा व्यास भक्त शरण महाराज ने उपस्थित भक्तों को सुदामा चरित्र व्यास पूजा और कथा विराम के प्रसंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, उप प्रधान सतपाल गुप्ता, उद्योगपति गुरशरण सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अमित जैन, लव गुप्ता, विपिन गुप्ता, पूनम गुप्ता, ऋषु, मीनू, अरुण, राजेश, जतिंदर महाजन, सुनील अग्रवाल, अश्वनी धवन सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। हुआ एक नया मार्ग खोल देने तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के आश्रय का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो भाव है, वह उत्तर उत्तर हमारा प्रबल होता चला जाए और वही हमारी जो जो कोई भी व्यक्ति समाज में कोई विशिष्ट कार्य संपादित करता है बिना आत्मबल के, बिना आंतरिक ऊर्जा के कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में विशिष्ट कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। आप पुराना इतिहास उठाकर के देखेंगे जो भी हमारे विशिष्ट महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भी समाज में अनेक विशिष्ट कार्य संपादित किए, समाज में एक प्रकाश प्रदान किया है, समाज में एक जागृति फैलाई है, समाज में एक नव चेतना का संचार किया है, समाज को एक दिशा दी है। खालसा साजना दिवस को समर्पित जंडियाला गुरु में महान नगर कीर्तन सजाया गया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा बाजार कश्मीरी से 5 प्यारों के नेतृत्व में व साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब में वापस पहुंचकर संपूर्ण हुआ। इस अवसर पर पुरुषों ने सफेद कुर्ता पाजामा
और केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी, जबकि महिलाओं ने सफेद सूट और केसरी चुनरी ओढ़कर नगर कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर युवाओं ने सिखों के पारंपरिक खेल गतके का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर कीर्तन गुरु मान्य ग्रंथ सेवक जत्था जंडियाला गुरु अध्यक्ष भाई जगजीत सिंह बिट्टू, हरकीरत सिंह डेहरी वाले, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह सचदेवा, रणबीर सिंह, रणजीत सिंह सहित कई अधिकारियों ने खास सेवाएं निभाई। इस नगर कीर्तन की खास बात ये थी कि इस दौरान आमिद अली व मुस्लिम समाज के भाइयों, मुनीश जैन व जैन समाज के भाइयों, सोनी व हिंदू समाज के भाइयों और बाबा घोड़े शाह के मुख्य सेवादार हरपाल सिंह पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ शामिल हुए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। आज खालसे दे सिरजना दिवस के संबंध में जंडियाला गुरु दी समूह धार्मिक सभा सोसायटियां वालों मिलकर विसाखी के दिहाड़े से एक विशाल नगर कीर्तन गुरद्वारा सिंह सभा बाजार कश्मीरिया तो कढ़िया गया, जो कि कटियारा बाजार तो हो के शेखपदा दरवाजा उतो वैरोवाल रोड तो हुंदा होया मलियाना महला तो ज्योति साहब तो मलियाने मलियाने तो होना दर्शनी बाजार थानी कश्मीरिया बाजार के समाप्त होगा। इस नगर कीर्तन के सारिया ही सारे ही धर्मां के नुमाइंदे शामिल सी, जिन्हों का असी तहे दिलों धन्यवाद करते हाँ। वाहिगुरू जी की फतेह। सब संगतान विसाखी दिहाड़ी के बहुत बहुत मुबारक जी। सब संगत जन्ना बेनती की जाती है जिन्ना सबसे वो गुरसिखी ने जुड़ो अमृतधारी बनो जी। सब संगत चरना बेनती की जाती है जिन्ना संगत ने कितना आरंभता न करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू वाहि बहुत चिरत रखे पातशाह जी गुरु साहब की कृपा ने पांच पाए रखे अपने। जालंधर बिशप हाउस डायसिस की ओर से गांव गाखल स्थित सेंट मैरी स्कूल में डीएन मार्कस हंस को फादर के पद से नवाजा गया, जिसकी अगुवाई माननीय डॉक्टर अग्नाली राफी ने ग्रेशियस एपोसिस्टलिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायसिस ऑफ जालंधर ने की। इस मौके पर डॉक्टर अग्लानी ने बताया कि मार्कस हंस को प्रभु ने अपने कामों के लिए खुद ही चुना है और वह आशा करते हैं कि वह अपने काम पूरी निष्ठा से करेंगे। इस मौके पर फादर जॉर्ज जेपी फादर जोसेफ ने अपने ग्रुप के साथ प्रभु महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर फादर तेजा, फादर आजाद, स्कूल के डायरेक्टर फादर टोम, स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर लूसिया, सिस्टर पोली, फादर मैथ्यू, फादर डैनियल, फादर जोस्टी, फादर माइकल के अलावा स्कूल का सारा स्टाफ और बच्चे भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पाप खुदा दा प्रे तेरु पाक दिशा। यह गाखलन पैरिश बहुत समा बहुत महीने पर तैयार किया सी और आज यह दिन पहुंच आया। कुन असी सारे कुंज पर खुदा दे अगे प्रार्थना करिए डीकन मार्कस हंस के लिए, क्यों जो परिवार पवित्र आत्मा अपनी समर्थ नाल उस पर आवे उसदार पुरोहित बन सके। तंग सदा तू वारी मरियम ते
जिस तरह बाप ने मैनू प्यार किया है उस तरह मैं भी तुहानू प्यार किया है, मेरे प्यार विच बने रहो। जेकर तुसी मेरिया आग्ञावां दा पालन करोगे तां तुसी मेरे प्यार विच बने रहोगे। जिस तरह मैं अपने बाप दियां आग्ञावां दी पालना कीती है अते उसदे प्यार विच बनिया रहिंदा हां, ये गल्लां मैं तुहानू इस लई दसियां हन कि मेरा आनंद तुहाडे विच होवे अते तुहाडा आनंद भरपूर होवे। मेरी आग्ञा ये है तुसी एक दूजे नू प्यार करो जिवें मैं तुहानू प्यार कीता है। गत दिनों मोहाली पुलिस की ओर से खरड़ के रहने वाले क्रिश्चियन हाई स्कूल से सेवामुक्त सीनियर सिटीजन प्रेम मसीह के खिलाफ दर्ज किए गए मामले के रोष स्वरूप मसीही भाईचारे का इकट्ठा खरड़ में किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के अलग अलग जिलों से क्रिश्चियन भाईचारे के लोग पहुंचे। इस मीटिंग में दर्ज किए गए मामले को गलत करार देते हुए इस FIR को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के प्रेम मसीह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसलिए इस मामले को रद्द किया जाए। वहीं जब इस संबंध में SHO थाना मटोर गब्बर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति के मुताबिक ये कार्यवाही सही नहीं है तो वह उच्चाधिकारी को मिल सकते हैं और इसकी इंक्वायरी मार्क करवा सकते हैं। कुराली से हलचल के लिए अश्वनी गोड़ की रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਵੀ IO ਭੇਜੋ, ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ FIR ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। IO ਭੇਜਿਆ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਵਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 420 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ FIR ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀ ਕੀ 111ਵੀਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਬਾਲਾਜੀ ਵ ਖਾਟੂ ਧਾਮ ਕੋ ਸਾਏ 8 ਵਜੇ ਨੰਨਾ ਜੀ ਚੌਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, ਖਜਾਨਚੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਰੁਣ ਛਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਸਹਿਤ 50 ਯਾਤਰੀਓ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕਰ ਬੱਸ ਕੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਛਰੀਆ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸਾਲਾਸਰ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਕਾਰਯ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸਾਲਾਸਰ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਕੋ ਚੁਣਾ ਵ ਸੰਘ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ, तीन बांध धारी की जय, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय, नीले के सवार की जय। ये 111वीं बस सालासर सेवा संघ के अंडर जा रही है जो कि इस बार तीन तीर्थ स्थानों पर जाएगी। सबसे पहले ये खाटू श्याम जी, वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी, वापसी में सालासर धाम, पंचमुखी हनुमान और इच्छापूर्ण हनुमान जी के मंदिर दर्शन करती हुई फिरोजपुर 16 तारीख को वापसी आएगी। बालाजी की कृपा से 111वीं बस जा रही है और सभी संगत जो है बड़े हर्षोल्लास से 111वीं बस में जाने के लिए तैयार है। गुरुद्वारा दोआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर जालंधर में खालसा पंथ का स्थापना दिवस एवं वैसाखी पर्व बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया, जिसमें भाई दलजीत सिंह निर्माणा, भाई पवनीत सिंह, भाई गुरपाल सिंह, बीबी भानी और गुरमती
संगीत अकेडमी के बच्चों ने कीर्तन और कथा कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य संगत ने गुरु घर में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़, दीदार सिंह विरदी, सतबीर सिंह बाबा, बूटा सिंह भाटिया, मनमहिंदर सिंह संदल सहित असंख्य संगत मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। वसाखी दे अज शुभ दिहाड़े सब नालों पहला समूह साध संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतह। अज दे दिन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो विसाखी दे दिन खालसा पंथ की नींह रखी, अज की जरूरत के मुताबिक सानू उन्हां दे दित्ते हुए संदेश, उन्हां दे वलों दित्ती हुई सिक्ख्या दोबारा सोच के दोबारा अगे लियाउण की जरूरत है। हर सिख नूं जरूरत है कि विसाखी के दिन दी महत्ता नूं समझे। मैं समुची सिख कौम नूं शहर वासियां नूं विसाखी दियां बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा। समूह प्रबंधक कमेटी दुआबा श्री गुरु सिंह सभा वलों सारिआं नूं बहुत बहुत विसाखी दियां शुभकामनावां। अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर विखे विसाखी का पुरब बड़ी श्रद्धा ते प्यार सत्कार नाल मनाया जा रहा है। खालसा पंथ के सिजना दिवस के संबंध में अज सवेरे 5 बजे तो लैके हूँ 10 बजे तक दीवान सजे हुए हैं। दीवाना दे विच भाई साहब भाई दलजीत सिंह निर्माण, भाई भवनीत सिंह, भाई गुरपाल सिंह, बीबी भानी गुरमत संगीत अकैडमी के बच्चे, इस तो अलावा होर भी कथावाचक ने कीर्तन द्वारा अते कथा द्वारा संतां नूं निहाल कीता अते गुरु के अतुट लंगर वरताए गए हैं। अज दे इस शुभ अवसर ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे गुरु नानक नाम लेवा जिन्हें भी दुनिया के गुरसिख हैं सब नूं प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई दिंदे हां। कपूरथला के अधीन आती रविदास कॉलोनी शेखूपुर में मोहल्ला निवासियों की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री गुरु रविदास मंदिर में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। माँ बगुलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंचौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान श्वेता भारद्वाज से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने कहा कि यदि हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसके अच्छे कर्मों का फल भी प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, गौरव कोहली, एडवोकेट राजकुमार, सौरभ अरोड़ा, सोनू छाबड़ा, बाबा खन्ना, राजेंद्र कतियाल, रोहित बहल, मानव शर्मा, मोहित बहल, प्रवीण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कि 28 तरीक दिन शुक्रवार को माँ बगलामुखी जी की जयंती उत्सव जिन्हों आप जन्मोत्सव भी कहने हैं प्रादुर्भाव देवी का उस दिन होया सी। सो सारिया ने सेवादार ने रल के जिहड़ा समूहिक उपराला है ये किया है और लगातार उहदे वल अग्रसर है सारे सेवादार। सो जिहड़ा भी उहदे विच शामिल होना चाहे सब परिवार आमंत्रित है, आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल आके मेले की रौनक वधाओ और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। बहुत ही विशाल लंगर भंडारे लगनगे, नाना प्रकार के बच्चों के झूले का अरेंजमेंट है, अलग अलग भाव है, कोई लस्सी का लंगर है, कोई गन्ने के रस का लंगर है, कोई खीर का लंगर है, कोई जलेबियां दे लंगर है, अलग अलग भाव है हर भगत के अपनी माँ के प्रति।
जिहड़ा भी आएगा झोलियां भर के लैके जाएगा। सो इसलिए 28 तरीक दिन शुक्रवार सब परिवार माँ बगला मुखी धाम गुलमोर सिटी पहुंचो और आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो। एक करवत प्रार्थना है सारे सेवादारा वालों, ये मंदिर सेवादारा का। फिरोजपुर शहर के परमार्थ भवन के प्रांगण में फिरोजपुर वासियों के तरफ से भागवत कथा का आयोजन किया गया। वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य रामजी ने प्रभु की लीलाओं का व्याख्यान कर संगत को मंत्रमुग्ध किया। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर प्रभु राम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर चाय पानी और लंगर का भी प्रबंध किया गया था। आचार्य राम जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह वृंदावन से आए हैं और लोगों में धार्मिक संस्कार और धर्म का प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों को वैसाखी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब फिरोजपुर की धरती पर विगत दिनों से श्रीमद भागवत महायज्ञ की पावन चर्चा समस्त विश्व में आस्था प्राइम बन के माध्यम से दिखाई जा रही है और अध्यात्म सामाजिक समरसता का प्रतीक है। अध्यात्म संस्कार प्रदान करने का एक यज्ञ है। विद्यालय में हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यात्म से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं और बिना संस्कार के शिक्षा एक्सीडेंटल मानी जाती है। कितने ही हम शिक्षित हो जाएं और जब तक संस्कार ही नहीं होंगे तब तक जीवन हमारा मार्गदर्शन की ओर प्रशस्त नहीं रहेगा। तो हम लोग इसी यज्ञ में लगे हुए हैं पूरे देश में और समस्त पंजाब वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें गोपाल पांडे एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन वर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, सारे मिलके बोलो त्रिपुर वालनी दी जे। मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, सारे मिलके बोलो त्रिपुर वालनी दी जे। मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, मैं भी बोला जे, तू भी बोले जे, सारे मिलके बोलो त्रिपुर वालनी दी जे। अंत में हलचल की गतिविधियों पर फिर से एक नजर डालते हैं। फिरोजपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू। 32 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल, 25 किलो पीतल के नल, 16 बैटरियां की बरामद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पंजाब भाजपा प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हुए नतमस्तक।
प्राचीन ब्रह्म अखाड़ा उस्ताद जेठुमल ताराचंद में कुश्ती मुकाबलों का हुआ आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।